सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आज आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। यहां से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे रूपा जी से कि आज एग्री कम्युनिटीज का बाजार कैसा रह सकता है, कृषि फसलों में किन में तेजी देखने को मिल सकती है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कैसा सीड से। रूपा जी, सबसे पहले अगर कैसा सीड की बात करें तो कैसे सीड को हमने कल को 6400 पर ट्रेड करते हुए देखा था, वहीं आज भी देख रहे हैं कैसे सीड का फरवरी वायदा 6400 पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, हल्की सी बढ़त है। रूपा जी, देख रहे हैं कैसे सीड का वायदा बाजार 6400 पर स्टक हो गया है, आपको क्या लगता है ये जो सीमित दायरा है ये कब तक ऐसी चल सकता है? देखिए, अभी बाजार जो है काफी एक सीमित दायरे में कंसोलिडेट होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टेक्निकली चार्ट भी देखें तो काफी बाजारों में सुस्ती का माहौल है, लेकिन ट्रेंड इसमें भी दिखाई दे रहे हैं कि एक बार 6580 तक एक बार अपसाइड बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर यहाँ से बाजार इसी लेवल पर सस्टेन करते हैं, अब यहाँ से गिरावट कम आने की उम्मीद है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार जो रेंज है वो 6420 से लेकर 6480 से 6520 मैक्सिमम अपसाइड एक बार फिलहाल देखने को मिल सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि फरवरी वायदा 3100 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, खबरें निकल के सामने आ रही कि मंडियों के अंदर कपास की जो आवकें हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रही हैं और जो कॉटन सीड है, जो कपास का बीज है, उसकी जो अराइवल्स हैं, उसकी जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो आधे फीसदी से भी ज़्यादा की नेगेटिव देखने को मिल रही है, यानी कि कम देखने को मिल रही है, मोर देन 50%। ऐसे में आपको क्या लगता है इसका सपोर्ट बिनौला खल को कितना मिल सकता है? देखिए, यहाँ पर अभी थोड़ा सा बाजारों में तेजी का रुझान बन सकता है, लेकिन अभी आप देखिए जो अराइवल प्रेशर के चलते थोड़ा सा इसके अंदर कमोडिटी के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। कॉटन के अंदर भी आज हमने देखा है कि वायदा के अंदर ऊपरी स्तरों से बाजार लुढ़के हैं, ऊपरी स्तरों पर एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। तो फिलहाल ये गिरावट जो है, हल्की सी गिरावट जो है वो बनी रह सकती है कॉटन के अंदर, क्योंकि प्राइजेस लगातार तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं और अब एक करेक्शन के जोन में जाता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। और बिनौला खल जो है वो एक बार 3080 तक नीचे में एक बार सपोर्ट ले सकता है। देखिए, 3080 के आसपास अगर बाइंग आ गई तो मार्केट वापस से बाउंस बैक ले लेगा, अदरवाइज वहां से फिर करेक्शन और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए 3080 का एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि आज नरमी के साथ ही ट्रेड होता नजर आ रहा है। धनिया है 9800 पर, हल्दी 9600 पर, लेकिन जीरा 19000 के ऊपर सस्टेन हो रखा है, सस्टेनेबिलिटी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है मसालों में आज कैसा रुख देखने को मिल सकता है? देखिए, मसालों में आज भी जो रुख है वो नेगेटिव ही रहने वाला है। आज भी बाजारों में ऊपरी स्तरों पर एक बार दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के करेक्शन के बाद आज भी मार्केट करेक्शन जोन में ही दिखाई दे रहा है। हल्दी देखिए, अब 9800 के लेवल को भी ब्रेक कर चुकी है और नीचे में 9600 तक आ चुका है मार्केट, इनफैक्ट 9500 का लो लगा है। तो थोड़ा सा प्रेशर है मार्केट के ऊपर अभी, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर दबाव जो है वो ज्यादा बन चुका है। और जीरा यहाँ पर पॉजिटिव परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, जीरा यहाँ पर 18800 के आसपास से सपोर्ट ले सकता है। वहीं अगर धनिया की बात करें तो धनिया में भी करेक्शन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। धनिया भी 9760 से लेकर 9740 तक इंट्राडे में लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी देखा जाए तो मिला जुला रुझान है, जहां जीरा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है वह हल्दी और धनिया में गिरावट का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। शॉर्ट टर्म गिरावट है यहाँ पर, मार्केट 1 से 2 दिन की गिरावट के बाद सस्टेन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, रूपा जी बात की जाए अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम 11600 पर लुढ़क चुका है और ग्वार सीड 6200 पर। आपको क्या लगता है यहाँ से सपोर्ट मिलेगा या फिर कीमत और नीचे जाएंगी? देखिए, आज उम्मीद है कि हल्का सपोर्ट आता हुआ आज इन लेवल्स के ऊपर देखने को मिल सकता है। ग्वार गम भी यहाँ पर एक बार सपोर्ट ले सकती है 11000
400 के आसपास एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां से मार्केट में अगेन बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं सीड भी 6180 के आसपास सपोर्ट ले सकती है। तो यहां पर आज इंट्राडे में एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर आज गिरावट आती है तो ये गिरावट फिर कल तक बढ़ती हुई दिखाई भी दे सकती है। तो अब छुटमुट गिरावट के बाद एक सपोर्ट की उम्मीद है, वहां पर खरीदारी बन सकती है। अगर वहां से बाइंग नहीं आया तो फिर करेक्शन में ज्यादा मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल आज इंट्राडे में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखना चाहिए। जो छोटे छोटे सपोर्ट है उनके ऊपर अगर मार्केट रुकता है तो वापिस तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी यही से रूपा जी, बात करें अगर कॉटन की तो M6 कॉटन में आपको क्या लगता है, क्या M6 कॉटन का वायदा बाजार अभी नीचे जा सकता है, क्योंकि मंडियों में जो अराइवल्स है वो बढ़ती नजर आ रही है और बजट में बोला गया है कि जो कपड़े हैं वो सस्ते हो जाएंगे अब, तो उसका असर कॉटन की कीमतों पर कितना देखने को मिल सकता है, और दूसरा कॉटन अभी क्या नीचे जाती नजर आ सकती है? देखिए अभी प्रॉफिट बुकिंग के चलते और अराइवल प्रेशर की वजह से थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है कॉटन में। 36,800 तक हमें लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में वायदा के अंदर बाजार जा सकता है, लेकिन अभी फंडामेंटल अभी भी काफी सपोर्टिव है। डिमांड निचले स्तरों पर एक बार फिर से निकलती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी बाजार में करेक्शन बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी यहीं से रूपा जी, बात करें अगर अब सोयाबीन की, तो सोयाबीन देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी तेज हो चुकी है। कल को सोयाबीन सेवरल मंथ्स हाई पर जा चुकी थी, लगभग 7 महीने के ऊंचे स्तर पर थी। US सोयाबीन की बात करें तो अगर $1,530 के ऊपर थी, आज भी देख रहे हैं $1,530 के ऊपर ट्रेड कर रही है। लेकिन रूपा जी देख रहे हैं कि विदेशों का असर घरेलू वायदा पर इतना देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही हाजिर पर, आपको क्या लगता है? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर विदेशों में एक भी दिन घटबड़ होती थी तो उसका असर सीधे सीधे सोयाबीन में पड़ता नजर आता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि चुनाव है तो सरकार भी नहीं चाहती कि ज़्यादा महंगाई बढ़े, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि लगभग सभी खाद्य तेलों में नरमी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ 1 से 1.5 महीने के बाद सोयाबीन में तेजी बन सकती है? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि तेजी बन सकती है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ की आशंकाएं अभी जताई जा रही हैं, और वहीं अमेरिका से अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड भी निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते कल शिकागो भी हमने देखा कि हाई पर बंद हुआ है। तो अभी फिलहाल जो है बाजारों में तेजी का रुझान जो है वो बना रह सकता है। वहीं USG की रिपोर्ट के भी कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं जिनसे ये दिखाई देता है कि सोयाबीन अभी काफी जो प्रोडक्शन है इसका काफी कम है। तो मुझे लगता है कि आगे चलकर प्राइसेस के ऊपर एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन के मद्देनजर अभी बाजारों में एक सुस्ती का माहौल है। तो आप देखिए यहाँ से बाजार गिरे भी नहीं है और ना ही कोई बहुत ज्यादा अभी फिलहाल तेजी आती हुई दिखाई दी है, लेकिन हाँ जो विदेशी बाजारों में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है उसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। जी इससे रूपा जी, बात करें अगर दालों के बाजार की, चने की, तो चने में देख रहे हैं कि प्रोडक्शन तो ज़्यादा बताया जा रहा है कि चने का प्रोडक्शन ज़्यादा है और कीमतें पहले से ही कम है, स्टॉक लिमिट भी लगी हुई है दालों पर, और जितने भी अब कारोबारी हैं यहाँ तक कि अब किसान वो भी अब चने में, चने की खेती करने से और जो कारोबारी है वो कारोबार करने से अब कतराने लगे हैं। उनमें एक डर का माहौल बन गया है कि कहीं हल्की सी तेजी ना आ जाए और फिर सरकार को इस पर फैसला ना ले ले। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आगे जाके चने की कीमतों में यहाँ से तेजी बन सकती है अगर स्टॉक घटता है तो? देखिए अभी तो फिलहाल कोई रुझान ऐसा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि चने की कीमतों में तेजी आती हुई दिखाई दे। मुझे लगता है कि कीमतें अभी भी प्रेशर में ही रहने वाली हैं और अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो दबाव वाला ही है, और मुझे लगता है कि अभी कुछ समय तक दालों के अंदर स्पेशली उठाव नहीं है और दालों से अभी बचकर चलना चाहिए और इसमें बाइंग की रणनीति अभी नहीं बनानी चाहिए। जी रूपा जी, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप एग्री कमोडिटीज में जिनमें अच्छा मुनाफा कमा कर चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि अभी एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो एग्री कमोडिटीज के अंदर अभी ग्वार जो है मुझे अच्छा लग रहा है आज के लिए, ग्वार में बाइंग करके चला जा सकता है। वहीं जीरे के अंदर भी 18,800 के आसपास अगर सपोर्ट आता है तो वहां पर जीरा भी बाय करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि ग्वार और जीरा, इन दो कमोडिटीज में आज आप इंट्राडे में खरीदारी में रह सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमाकर चल सकते हैं। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।